And who is here? Who is not letting me to do work? No. Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you all are doing really well. Choti Diwali ki aap sabhi ko bahut bahut shubhkamnaye. Ye vlog hai Dhanteras wale din ka aur subah sara ghar ka kaam nipta ke aaj maine bedroom ki bhi finally bedding change kar di hai. Mostly Diwali ki jo decoration hoti hai jisme deepak jalaye jate hain ya fir ladiyan lagayi jati hain wo Dhanteras wale din hi hamare yahan hota hai. तो आज पूरा घर दिवाली के लिए फाइनली हम डेकोरेट कर देंगे. शुरुआत हुई बेडरूम से. मैंने बेडिंग चेंज करी है और ये जो बेड सेट है ये मेरी शादी का है. इस बार जब मैं इंडिया गई थी तब मैं ससुराल से इसे लेकर आई थी क्योंकि वहां पे कोई इसे इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था. बाकी सारी चीजें इस्तेमाल हो गई थी लेकिन कुछ एक दो चीजें बची हुई थी वहां पे जो संदूक में रखी थी और आई थिंक मैंने अपने किसी व्लॉग में शेयर भी किया था. तो बस इसको अच्छे से धूप लगा के और इसको क्लीन करा के मैं ले आई थी. और दिवाली से अच्छा और क्या होगा इसको बिछाने का टाइम, क्योंकि दिवाली पे वाइब्रेंट कलर ही बहुत अच्छे लगते हैं. तो अपना बेड मैंने सेट कर दिया है. ईवी की कॉट की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और इसकी मैंने फिटेड शीट नहीं ली है. जो मेरे पास रखी हुई डबल बेड की शीट्स है ना वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ क्योंकि हमारा बेड किंग साइज है, उसके ऊपर डबल बेड वाली आती नहीं है और ये अच्छे से स्टिक हो जाती है क्योंकि मैं डबल करके लगा देती हूँ, नीचे को फोल्ड कर देती हूँ तो सही रहती है. बाकी मेरे मटर्निटी पिलो का तो ईवी पूरा यूज कर ही रही है. शी इज वेरी कंफर्टेबल स्लीपिंग इन टू दैट, काफी स्नगली रहता है. तो उसकी डूबे कवर वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है और फाइनली अब यहाँ पे हम कर्टेन्स भी चेंज कर रहे हैं. पहले मैंने सोचा कि ग्रे ही लगे रहने देते हैं क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले ही वॉश किए थे. देन आई रिमेम्बर्ड कि हाँ मेरे पास रेड कर्टेन्स रखे हुए हैं तो क्यों ना पूरे रूम को ही रेड कलर से डेकोरेट कर दिया जाए. तो यहाँ पे कर्टेन्स भी लग गए हैं रेड और बीच में मैंने सिल्वर कर्टेन लगा दिया है तो डबल टोन में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और बेडरूम में बिल्कुल रौनक ही आ गई. और इसके बाद बस नीचे आई हूँ. अब मुझे लंच प्रिपेयर करना है. बहुत ही सिंपल सा मैं यहाँ पे खाना बनाने वाली हूँ. धनतेरस की एज सच हमारे यहाँ कुछ पूजा नहीं होती है. कभी होता है कि चलो कुछ बर्तन ले आए या झाड़ू ले आए, यही होता है, पर कोई ट्रेडिशनल वे में बैठ के पाठ वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता है. तो नॉर्मल सा ही मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ. साथ ही कुछ मिठाई जरूर मैं बनाऊंगी शाम को भोग लगाने के लिए. तो सबसे पहले तो यहाँ पे दाल ही बना लेते हैं. तो अरहर की दाल मैंने भिगो के रखी है, साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल्स ग्रेट करके रखी है. तड़का यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ. मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें हींग जीरा और बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी है. प्याज को यहाँ पे अच्छे से हम भून लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे. और जब हमारी प्याज अच्छे से भून जाएगी तब इसमें हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे, साथ ही करी लीव्स डाल देंगे. तो ये फ्रेश करी लीव्स हैं जिनको मैं फ्रीज करके रखती हूँ और बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है. सूखे मसाले, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर यही डालना है. हल्का सा इनको सौते करेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे. टमाटर आजकल बहुत ही टाइट टाइट से आए हुए हैं तो स्किन मैंने उनकी निकाल ली थी, फिर वो गलने में दिक्कत करते हैं और उनको मैंने थिनली स्लाइस करके ऐड किया है. अब टमाटर को यहाँ पे अच्छे से पका लेंगे जब तक वो गल ना जाए और इसको मैश करते हुए इसका एक थिक सा पेस्ट हम यहाँ पे बना लेंगे.
इसके बाद जो दाल है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और दाल लगभग 3 लेडल भर के, जो ये चमचा प्रेशर कुकर में डाला हुआ है ना, ये वाली भर के दाल थी, और सोख होने के बाद 1 कप के करीब ये हो ही गई थी। और इसमें जो है वो मैंने हिसाब से पानी डाल दिया है, और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। तो वैसे तो मैं कई बार कट करके डाल देती हूँ, पर अदवी कई बार आनाकानी करती है और ईवी के लिए मुझे मैश करना ही पड़ता है। देन आई थॉट कि क्यों ना ग्रेट ही कर दिया जाए, दाल थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा। सांभर में वो खा लेती है, पर दाल में मैं जब भी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ चीज लाइक के ना 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 ना, तो माँ को तो रास्ते ढूंढने ही पड़ते हैं बच्चों को खिलाने के। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और ये जो दाल है ये खट्टी मीठी अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने ये आम की चटनी डाली है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये चटनी खुद बनाई है क्या, तो नहीं, मैं अचार वचार बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं मोस्टली इंडिया से लेकर आती हूँ मम्मी के हाथ के बने हुए जो सीजनल अचार होते हैं, जैसे कि मूली गाजर का डाल लिया, या फिर सिरके वाली प्याज या मूली डाली, इस तरह का मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो सालों साल चलने वाले अचार होते हैं वो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि तरीका पता है लेकिन धूप वूप की थोड़ी सी दिक्कत रहती है और बहुत मेहनत का काम है, जब मम्मी के हाथ का मिल ही जाता है तो क्यों मेहनत करी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा और पानी ऐड करा था, और अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है, क्योंकि काफी देर तक हमने इसे सोक करके रखा हुआ है। साथ ही जो हमारे चावल हैं वो भी अच्छे से सोख हो गए थे, इनको मैंने चढ़ा दिया है केटल में, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ आज ड्राई अरबी, और अरबी को मैंने 1 विसल लगा के बॉयल कर लिया था, और इनको मैं लेंथ वाइज यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो चावल यहाँ पे उबलने के लिए रख दिए हैं, और मैंने अपना ये कास्ट आयरन वाला स्किलेट चढ़ाया है, इसमें हम अरबी की सब्जी बनाएंगे। विद इन 6 to 7 मिनट्स डन हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेजी से गर्म होता है और हीट को मेंटेन रखता है। जब आप कास्ट आयरन में कुक करने लगेंगे ना, इट्स नेवर लुकिंग बैक, इतनी अच्छी इसमें कुकिंग होती है ना, बस पूछे ना। तो ऑयल डाल के मैंने उसमें अजवाइन ऐड करी है, कहा जाता है कि अरबी को अजवाइन में ही बनाना चाहिए, मेरे घर में हमेशा ऐसे ही बनी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थिनली स्लाइस की हुई मैंने इसमें अनियन शामिल करी है, इनको ट्रांसलूसेंट होने तक हम पका लेंगे, और इसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। यही डेली के रूटीन के मसाले होते हैं जो ऑलमोस्ट हर सब्जी दाल के अंदर जाते ही जाते हैं। हल्का सा इनको सौते करेंगे, और इसके बाद जो है वो मैं इसमें अरबी ऐड कर दूंगी बॉयल की हुई। वैसे आप कच्ची अरबी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा पानी का छींटा दे दे। बस बॉयल्ड में ये हो जाता है कि कुकिंग और भी जल्दी हो जाती है, और बिना बॉयल करी में ये है कि पीसेस बहुत नीट रहते हैं, लेकिन उसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप कच्ची अरबी को छीलते हैं, एक तो वो हाथ में खारिश आने लगती है, फिर वो तेल वेल हाथ पे लगाओ और उसके बाद उसको जो है वो छीलो, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। सो आई प्रेफर दिस वे कि 1 सीटी लगा के बॉयल कर लो और फिर आराम से यूज कर लो, सब्जी भी जल्दी ही बन जाती है। तो हाँ, यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, इसको हल्का सा मैंने फ्लिप करके अब मिक्स कर दिया है, और अब इसको कवर करके 2-1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। बीच में मैं एक बार इसको चला दूंगी, कई बार होता है कि नीचे लग ना जाए, और वैसे भी ये बहुत जल्दी गर्म होता है, तो बहुत ही क्रिस्पी सी और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन क्रस्ट आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी तैयार होती है। और कहा जाता है कि कास्ट आयरन में जो है वो ज्यादा खट्टा ऐड नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसमें नींबू डालना था, लेकिन वो मैंने कुकिंग के टाइम पे नहीं डाला था, तब हम लोगों ने खाया तो उस टाइम पे मैंने ऊपर से वो हल्का सा नींबू उसके ऊपर निचोड़ दिया था, क्योंकि अरबी के अंदर खटाई शामिल करनी बहुत जरूरी है, तभी जो है इसकी तासीर बदलती है और ये हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो चावल भी यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, और यहाँ पे मैं जो मुंगोड़ी बनाई थी ना, उनको मैं थिनली स्लाइस कर रही हूँ, क्योंकि इसकी मैं क्रश चाट बनाने वाली हूँ।
वैसे तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से चाकू से काटे ना तो बहुत ही नीट इसके सर्कल्स पीसेस आते हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है। गरम पानी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और उसके बाद इसकी चाट प्रिपेयर करेंगे। चावल को मैंने छान दिया है, पानी निकाल लिया है और चावल हमारे डन है। साथ ही हमारी जो अरबी की सब्जी है वो भी बिल्कुल यहाँ पे डन हो गई है, ना तो इसमें स्टिक होती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कास्ट आयरन का बर्तन जरूर लें। मैंने बहुत दिनों के बाद जाके लिया है बट आई एम ट्रूली लविंग इट। और चलिए अब यहाँ पे अपनी मुंगोड़ी की क्रश चाट बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फूल गई थी, पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने दही डाल दी है, फिर टैमरिंड सॉस मैंने डाली है, साथ ही चाट मसाला ऐड करूंगी, भुना जीरा और रेड चिली पाउडर। और मेरी तरह आप सॉल्ट बिल्कुल मत भूल जाना, मैं भूल ही गई थी इसमें सॉल्ट ऐड करना। तब खाने बैठे देन आई रियलाइज कि कुछ तो मिसिंग है, और जब आधी खा ली तब ध्यान आया अरे सॉल्ट तो ऐड किया ही नहीं। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना पाउडर भी स्प्रिंकल किया था, उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो चलिए आज के लंच की प्लेटिंग कर लेते हैं, जिसमें है बॉइल्ड राइस और मैंने अच्छे से प्लेटिंग करने की कोशिश करी है। यहाँ पे दाल है, इसमें थोड़ा सा घी जरूर ऐड कर ले, और हमारी अरबी ड्राई वाली जो बहुत टेस्टी बनती है, और इसके साथ हमारी मुंगोड़ी वाली क्रश चाट और पराठा मैंने उतार दिया था। खाना खाके थोड़ी देर आराम करके मैं आई हूँ ऊपर, और ये दिवाली डेकोरेशन वाला बॉक्स है मेरा, जिसमें मोस्टली फूलों की माला, तोरण, ये सारी चीजें रखी हुई हैं, दिए रखे हुए हैं। तो इसमें से ही सामान सॉर्ट कर रही हूँ जो मुझे आज डेकोरेशन के लिए चाहिए। बाकी जो टी लाइट्स हैं, दिए वगैरह है, वो तो दिवाली वाले दिन ही हमें चाहिए, तो वो मैं उसी दिन निकालूंगी, बॉक्स को वापस रख दूंगी मैं एटिक में, और डेकोरेशन की जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं निकाल लूंगी। तो दिवाली के बाद इनको नीटली पैक करके मैं रख देती हूँ, और ये जो डेकोरेशन है ये सालों साल चलती है, और एक जगह रखी हुई हो ना तो आपको फिर जगल भी नहीं करना पड़ता है कि कहाँ से क्या चीज लेकर आए। तो टोटल दिवाली की जो डेकोरेशन है वो इसी बॉक्स के अंदर है। एंड माई हेल्पिंग हैंड इज हियर, जहां पे मेरा हाथ नहीं पहुंचता है साहब ने वहां वहां डेकोरेशन कर दी है। इस बार हमने स्टेयर केस वाली जो विंडो है उसके ऊपर भी गर्लैंड लगा दी है। अदवी के रूम पे ये छोटा सा एक तोरण मैंने लगाया है, बाकी जो नेल्स और हुक्स है ना वो पिछले साल के ही लगे हुए हैं, मैंने निकाले नहीं थे क्योंकि दिवाली पे तो हर साल डेकोरेशन होनी ही है। एंड आई एम नॉट दैट मच क्रिएटिव कि मैं हर साल कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करूं, मेरा वही एक पैटर्न रहता है। एंड एनी हाउ आई एम कम्फर्टेबल अबाउट इट एंड आई लव दिस डेकोरेशन। और बस यहाँ पे जो हमारा स्टेयर केस है इसको भी अच्छे से सजा दिया है, और बस ऐसी फीलिंग आती है जैसे शादियों वाला घर हो। मैं विकास को बोल ही रही थी कि अदवी ईवी की शादी में भी ऐसे ही हम डेकोरेट करेंगे घर को, और समवन इज रियली बिजी डेकोरेटिंग एवरीथिंग। तो स्टेयर केस हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, और अब हम लिविंग रूम करने आए थे, और ईवी ने जो मालाओं की ऐसी तैसी की है बस पूछे ना, दोनों बहनें बस गले में डाल डाल के घूम रही थी कि बस इन्हें ही सजा दो, घर तो खैर बाद में ही सजाएंगे। तो डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट, और उसके बाद मैंने कुछ एक मिठाई बनाई थी, और जो ये मिठाई है ना इसको बोलते हैं लपसी वाली बर्फी, एक्चुअली मेरी दादी की रेसिपी, और वो ये बोलती थी कि ना ये तोड़े वाली मिठाई है। जो वेस्ट यूपी के हैं वो जानते होंगे कि तोड़ा क्या है, तोड़ा मतलब जब कम गांव में हो जाता है ना, जैसे गाय भैंस रखते हैं और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो दूध वगैरह उनका नहीं निकालते हैं, तो जब घी दूध घर में कम होता है तब ये वाली मिठाई बनाई जाती है, और कम सामान में बन जाती है और त्योहार भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। तो इसके लिए ना मैंने क्वार्टर कप घी लिया था, और उसमें एक कप मैंने गेहूं का आटा ऐड किया था, और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम आपको रखनी है, और थोड़ी ही देर में ये आपको फ्रॉदी सा फ्लफी सा लगने लगेगा। मेहनत वाला काम है, 7-8 मिनट लग ही जाते हैं।
इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध जो है वो यहाँ पे लगभग 2 कप के करीब जाएगा, लेकिन पहले हम 1 कप ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके लम्प्स निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी का दूध बैचेस में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाकी का दूध ऐड किया है, साथ ही मैंने चीनी डाल दी है और जो चीनी है वो 1/2 कप मैंने ली है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन अगर आपको और ज्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ी और चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको लगातार आपको चलाते रहना है, इसके लम्प्स ब्रेक करने हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल शाइनी सा हो गया है और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये हलवे वाला टेस्ट आएगा इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, हलवे वाला नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ी सी इलायची पाउडर मैंने डाली है। तो ये जो मिल्क पाउडर है ना, ये ऑप्शनल है, मैंने इसको थोड़ा सा रिच टेक्सचर देने के लिए ऐड किया है। दादी तो नहीं ऐड करती थी, वो तो दूध चीनी घी और आटे से ही इसको बनाती थी। और यू नो, बचपन की एक ये याद है और वो सारी बातें याद रहती हैं जो वो हर चीज को बनाते हुए बताती थी कि ये क्यों बनता है, ये कैसे बनता है। तो खैर, मिल्क पाउडर डालने के बाद बहुत मुझे मशक्कत करनी पड़ी इसको स्मूथ करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल सेट होने की कंसिस्टेंसी पे था, बट मुझे थोड़ा सा रिच टेक्सचर लाना था। तो फाइनली ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये देखिए बिल्कुल ये डो की शेप में आ गया है। और फ्लेम पूरी रेसिपी में आपको जो है वो बिल्कुल स्लो ही रखनी है। इसके बाद चलिए इसको सेट कर देते हैं। तो ट्रे जो है वो मैंने पहले से ही ग्रीस कर ली थी और ये ट्रे मैंने टीमू से ली थी, आई थिंक मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तब मैंने किचन का काफी सारा सामान लिया था, किचन हॉल आपके साथ शेयर किया था। तो बेसिकली मैंने ये बर्फी वगैरह जमाने के लिए ही ली थी। ऊंचाई इसकी थोड़ी सी कम है, थोड़ी और ज्यादा होती तो वो बिल्कुल इंडिया में हलवाई वाला ही टेक्सचर आ जाता, लाइक शेप आ जाती, बट इट्स फाइन, परदेश में जो मिल जाए वो अच्छा है। इसको गार्निश कर रही हूँ मैं ड्राई रोज पेटल्स के साथ और इनका फ्लेवर भी और इनका लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको सेट होने के लिए मैंने रख दिया है और ज्यादा देर की जरूरत नहीं होती, 1/2 घंटे में ही परफेक्टली सेट हो जाती है। थोड़ा सा मिक्स मैंने बचा लिया था, सोचा कि चलो थोड़ा इसके साथ क्रिएटिव हो जाते हैं। तो इसमें मैंने ऑरेंज फ्लेवर ऐड करा है, बाकी आप जो चाहे फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और कलर देने के लिए बिल्कुल मैंने येलो फूड कलर डाला है, जेल वाला, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से हम यहाँ पे नीड कर लेंगे। तो जो भी आप कलर चाहे वो ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, वाइट भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को जो है ना कलरफुल चीजें बहुत पसंद आती हैं। और फिर मैंने इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था और मेरी दोनों बेटियों को ये रोल इतने पसंद आए, ओ माय गॉड। छोटी दिवाली है, आज सुबह सुबह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इनमें से सिर्फ 2 रोल बाकी हैं। तो इनमें से मैंने 4 पार्ट कर लिए थे जो ये डो था, और इसको इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख के रोल करते हुए ऐसे सिलेंड्रिकल शेप मैंने इनकी लंबी लंबी बना ली है। बाद में हम इसको कट करके इसके छोटे छोटे से रोल बना लेंगे। तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में ये मिठाई और बनने में तो बहुत आसान है ही, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाती है। और ये चांदी का वर्क, इसको हैंडल करना इज वेरी टफ एक्चुअली। वो तो नीचे जो है वो हल्का सा मैंने घी लगा लिया था तो पेपर वो रुक गया, और रोल को उठा के ना इस तरह से आप चांदी के वर्क के ऊपर रख दें तो आपका वर्क बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, सारा का सारा आप इस्तेमाल कर लेंगे और रोल के ऊपर बहुत अच्छे से इसकी गार्निशिंग हो जाएगी। तो 3 रोल के ऊपर ये वर्क आ गया था, चौथे के लिए फिर मुझे पूरा पैक खोलना पड़ता। देन आई थॉट के चलो इसको प्लेन ही रख लेते हैं, बीच में ये भी अच्छा लगेगा, डेकोरेट ना किया हुआ तो वो सही रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये रोल्स बना लिए और उसके बाद इनको मैंने 3 पार्ट में कट कर लिया है। और देखने में ये इतने टेम्पटिंग और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सी, जस्ट माउथ मेल्टिंग ये मिठाई है। तो जो बिगिनर्स है ना वो भी इस मिठाई को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और समवन इज हियर टू डिस्टर्ब मी, हाथ आपको दिख ही रहे होंगे, पूरा ट्राइपॉड उसने सरका दिया था।
तो ईवी जो है वो कई बार परेशान करती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और आप लोग पूछते भी हैं कि कैसे कर लेते हो, तो बस उसी के साथ मैनेज करके ही सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो रोल्स हमारे यहाँ पे डन हो गए हैं, लग रहा है ना बिल्कुल ऐसे कि आप अभी हलवाई के यहाँ से लेकर आए हैं। तो अगेन बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा और बच्चों को ये बहुत बहुत पसंद आएगी। तो रोल्स हो गए हैं हमारे रेडी और साथ ही जो हमारी बर्फी है वो भी परफेक्टली सेट हो गई है, तो इसको भी अब हम कट कर लेते हैं। जैसे चाहें उस शेप में आप इसको कट कर लें। तो ये देखिए इसका टेक्सचर यहाँ पे कितना सॉफ्ट सा है, कितना आसानी से ये टूट रही है और बहुत ही अच्छी ये बर्फी तैयार होती है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, तो दिवाली है, जरूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी और भी रेसिपीज आ रही हैं और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली ही वीडियो अपलोड करूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग एज वेल। और चलिए अब आपको पूरे घर की डेकोरेशन दिखा देते हैं। तो ये है स्टेयर रूम, ये काइंड ऑफ ट्विन रूम है, एटिक के साथ ये कंबाइंड है। ऊपर विकास का ऑफिस है और एक काइंड ऑफ गेस्ट बेडरूम की तरह भी हम उसको यूज करते हैं क्योंकि वहां पे बेड लगा हुआ है एक। ऊपर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और बस ये कुछ ग्लिम्स मैं यहाँ पे स्टेयर रूम की दे रही हूँ। मेरा ऑफिस यहाँ पे ही बना हुआ है और ये मेरी डेस्क है जिसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन रखी है। उड़ली वगैरह मैंने निकाल के रख दी है लेकिन अभी मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है, ये सब दिवाली वाले दिन होगा। और ऑफिस हम दोनों का इधर ही है तो यहाँ पे मैंने गणपति जी और लक्ष्मी जी को भी रखा हुआ है जिनके आगे मैं रोज दिया जला देती हूँ। ये है हमारा बेडरूम जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। कभी कभी ना यू नो डल कलर से वाइब्रेंट कलर का जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पेस्टल कलर्स आर एलिगेंट बट रेड इज जस्ट वाओ। और लाइट्स ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा बेडरूम लगता है, सो कोजी, सो वार्म एंड सो ब्यूटीफुल। और आजकल कुछ ट्रेंड भी चल रहा है ना, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ, तो यस फॉर मी इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये है अद्वी का रूम, यहाँ पे भी मैंने उड़ली रख दी है जो मैं दिवाली वाले दिन डेकोरेट करूंगी। बाकी बहुत ज्यादा डेकोरेशन अद्वी के रूम में नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी लैम्प लाइट्स हमने अभी चेंज की ही है, तो एक दो बस मैंने यहाँ पे हैंगिंग लगाई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये अद्वी का रूम। और ये है लैंडिंग एरिया विच इज माय फेवरेट, यहाँ पे सारे मेरे प्लांट्स भी रखे हुए हैं, ईवी से बचा के यहाँ रखे हैं। और ये प्लांटर हमने अभी लिया था, आपको दिखाया भी है लास्ट वीडियो में। और इस तरह से ये मैरीगोल्ड वाली आर्टिफिशियल जो माला है वो मैंने दरवाजे के दोनों तरफ लगा दी है। ये कुछ हैंगिंग्स थी जो यहाँ पे स्टेयर केस की जो विंडो है उस पे हमने लगाई है। और जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो है ये स्पेस। ये अगेन वही कहूंगी कि बिल्कुल शादियों वाली फील आ जाती है। और ये इस तरह से माला लटकाने वाला मैंने पहली बार किया है, मोस्टली मैं जो रेलिंग होती है बस इसी के ऊपर लगा देती थी, बट इस बार थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा मैंने किया है एंड आई एम लविंग इट। और यहाँ पे एक ये पोस्टर है हमारे कान्हा जी का, तो घर में एंटर होते ही सबसे पहले कान्हा जी दिखाई देते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, मैंने एक ये फोटो खरीदा है नमस्ते वाला, तो घर में एंटर होते ही सबको भले ही बोल के ना कर पाए लेकिन उनको नमस्ते हमारी मिल ही जाएगी। आप पॉज करके पढ़ना जरूर कि नमस्ते का मतलब क्या होता है, विच इज सो डीप एंड सो गुड। सो दिस स्टेयर केस लैंडिंग एरिया एंड फोयर एरिया इज माय फेवरेट। तो चलिए अब लिविंग रूम भी देख लेते हैं। तो जो मिठाई है ना वो इतनी ही बची है शाम तक, देख लीजिए आप। और ये मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखी थी, साथ ही एक और ये मेरे पास ओल्डी स्टैंड, इसको आई थिंक बोल सकते हैं, वैसे तो ये एंट्रेंस पे रखा जाता है
बट इनी छोड़ेगी नहीं, तो मैंने अभी डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया है। दिवाली वाले दिन देखते हैं कि इसको कहाँ रखते हैं। कुछ एक मेरे पास ये सनफ्लावर वाली भी हैंगिंग्स थी, वो भी मैंने लगा दी हैं, और ये पिछले साल की तरह ही जो मेरी ब्लेसिंग वॉल है उसके ऊपर मैंने गणपति वाली हैंगिंग लगाई है एंड ब्लेसिंग वॉल, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के प्यार की वजह से यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है। मेरी दोनों बेटियों के हैंड प्रिंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सो आई कॉल इट माई ब्लेसिंग वॉल। तो लाइट्स ऑफ करने के बाद डिम लाइट्स में दिस इज हाउ अवर लिविंग रूम लुकिंग लाइक। और अब किचन की तरफ आ जाते हैं, तो ये यूटिलिटी एरिया का जो दरवाजा है इसमें भी मैंने इस तरह से ये हैंग कर दिया। एक्चुअली ये ना तोरण है आम के पत्ते वाले, बट इनको लगाने की कहीं जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लगा दिया है। और ये जो दरवाजा है लिविंग रूम और किचन के बीच का, इसमें मैंने ये लगा दिए थोड़ी सी माला, और सामने आपको बैकस्प्लैश में मैं दिखाई दे रही हूँ। किचन इज ऑल क्लीन, और ये छोटी सी डेकोरेशन मेरी अदवी ने की है। ये पूरा ही सेट था उर्ली का, दिवाली वाले दिन मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और अब बाहर आ जाते हैं, तो बाहर की जो डेकोरेशन है वो पिछले साल वाली ही है, हमने लाइट्स उतारी नहीं थी। आउटडोर लाइट्स हैं तो ये लगी ही रहती हैं, और बस अब इनको स्विच ऑन कर दिया है, क्रिसमस तक अब ये डेली जला करेंगी, और एक बहुत अच्छी सी फील आती है। तो इधर की तरफ कलरफुल है, और बाहर भी हमने लाइट्स लगाई हुई हैं, एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दिवाली के टाइम की जो फीलिंग है वो अलग ही है। बस यही है कि धनतेरस वाले दिन मौसम अच्छा था, छोटे दिवाली वाले दिन भी मौसम अच्छा है, और दिवाली वाले दिन पूरा दिन बारिश है। लेट्स सी के कैसे सेलिब्रेट होता है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।